मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं सर्व समाज हिंदू समाज की तरफ से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और केस जोधपुर का है, सुनीता अनीता हत्याकांड का। उसके अंदर गुलामुद्दीन करके एक मुसलमान है, उसने उस पहले अनीता से धर्मेला किया। धर्मेला करने के बाद लगभग 15-20 साल से उनका आना जाना था, तो उसके ऊपर लगभग 10-15 लाख रुपए के करीब उसके ऊपर थे। तो उस अपने कर्ज को हटाने के लिए, ब्याज से बचने के लिए उसने अनीता को अपने घर पे बुलाया और उसके लगभग 15-20 तोले के करीब गहने, सोने के गहने पहने हुए थे। उसको शरबत पिलाया, शरबत के अंदर नींद की गोलियां डाली हुई थी। वो नींद की गोलियां और शरबत जब उसकी पेट में गया तो वो वहाँ बेहोश हो गई। पहले उसका गहना उतारा गया, गहना उतारने के बाद उसका सबसे पहले सिर काटा गया, फिर उसके दोनों हाथ काटे गए, फिर दोनों पांव काटे गए। उनका ये प्री प्लान पहले से ही तय था। उन्होंने जेसीबी के द्वारा एक 10 फुट गहरे खड्डे की खुदाई पहले से की हुई थी। उस गहरे खड्डे के अंदर उन्होंने अनीता के जो 6 अंग थे अलग अलग टुकड़ों में बांटे गए थे, उन अंगों को उस ज़मीन के अंदर दफनाया। दफनाने के बाद उसको पूरा का पूरा ढक दिया, लेकिन उसमें संजोग ये था कि जो गहना उन्होंने चोरी किया था उसमें से एक अंगूठी है उसकी बीवी के, जो आबिदा नाम है उसका, गुलामुद्दीन की बीवी, उस अंगूठी उसके पहनी हुई थी। उसके बेस पर और कैमरे की जो रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग से पुलिस को और उनके परिवार को जब शक हुआ तो सबसे पहले आबिदा को पकड़ा और गुलामुद्दीन वहाँ से भाग गया है। तो यहाँ बाड़मेर की तरफ से, बाड़मेर की सर्व समाज जनता की तरफ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है कि तुरंत प्रभाव के साथ गुलामुद्दीन या उनके साथ और भी कोई अगर इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और वहाँ आबिदा को पहले से ही पकड़ के रखा है, पुलिस का अच्छा सहयोग है, लेकिन हम पुलिस से, प्रशासन से और जो राजस्थान की सरकार है उनसे आग्रह करते हैं कि तुरंत ऐसे जघन्य अपराधों में जो शरीर के 6-6 टुकड़े करने में कोई संकोच नहीं करते हैं तो उन्हें मेरे हिसाब से फांसी से बड़ी या छोटी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। उन्हें तुरंत प्रभाव से उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। मेरा यही आग्रह है प्रशासन से। धन्यवाद। आज क्या मुद्दा था, समस्त जो हिंदू समाज है वो आज कलेक्टेड है? जोधपुर में अनीता चौधरी नाम की महिला का, उनके धर्म भाई के नाम से जो अपना एक धर्म का रिश्ता है निभाने वाले गुल मोहम्मद नाम के मुस्लिम ने, उसको विश्वास में लेकर के अपने घर बुला करके नशीला पदार्थ करके सौ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके सुनियोजित योजना के तहत पूर्व में अपने घर खोदे हुए गड्ढे के अंदर सौ को दफना करके ऊपर उसको अंतर वगैरह डाल के ताकि उसकी स्माइल ना आए, इस तरह का उसने कृत्य किया। इस कृत्य के अंदर केवल एक व्यक्ति साथ नहीं है, उसकी पत्नी साथ है, उसका परिवार साथ है और कई साजिशकर्ता साथ है, लेकिन दुर्भाग्य अभी तक केवल मात्र एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। मूल जो मुलजिम है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। हमारी मांग है कि मूल जो मुलजिम है और जो साजिशकर्ता है उन सबकी गिरफ्तारी की जाए और जो ये पीड़ित परिवार है इसको आर्थिक सबल कैसे प्राप्त किया जाए, राज्य सरकार के अंदर इनको स्थायी नियुक्ति प्रदान किया जाए, उदयपुर कन्यालाल हत्याकांड के पीड़ित परिवार को जो पैकेज दिया गया है वही पैकेज इस परिवार को मिले, इस तरह की मांग रखने के लिए आज ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से।